हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आपको ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे ना हम लोग भैया के लिए कपड़े लेने गए थे क्योंकि बर्थडे था भैया का। आप लोगों ने टाइटल से तो पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे फिर भैया के लिए कपड़े ले लिए थे। उसके बाद इनके लिए कपड़े देख रहे थे, मतलब टी शर्ट देख रहे थे। मैंने कहा आप भी ले लो एक टी शर्ट क्योंकि गर्मी आ गई है थोड़ी सी, तो अच्छी रहती है हाफ टी शर्ट। अभी नया माल आया था तो वो भैया बोल रहे थे कि ले लो क्योंकि हम लोगों को जानते हैं परमानेंट दुकान है। फिर इसके बाद ना कुछ ग्रॉसरी का सामान लेना था हम लोगों को जो कि ख़त्म हो गया था। और फिर जैसे कुछ करते हैं घर में तो फिर रखना पड़ता है, ज़रूरी सामान चाहिए पड़ता है। जैसे छोले वगैरह लाने थे, मसाला लाना था, तो बस वही लेने के लिए हम लोग गए थे। तो पतिदेव आगे आगे जा रहे थे, मैं पीछे पीछे जा रही थी। और इसके बाद फिर ना सामान वहाँ पे जो सामान चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो दूसरी दुकान से ले लेंगे, मतलब आगे की दुकान से ले लेंगे। इनकी दुकान पे पूरा सामान नहीं था तो फिर थोड़ा ले लिया था, थोड़ा दूसरी जगह ले लिया था। और इसके बाद नेक्स्ट डे का वीडियो है, डेकोरेशन हो रहा है यहाँ पे। आशी डेकोरेशन कर रही थी, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया है उसने। और यहाँ पे बलून वगैरह फुला रहे थे, वो कर रही थी सारा कुछ क्योंकि वो ही साथ में गए थे। और यहाँ पे भैया को बिठा के रखा है इन्होंने क्योंकि बहुत परेशान कर रहा था ना। और डुब्बू और पू भी खेल रहे हैं। तो देखो अदिति फुला रही है, अदिति की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो तैयार नहीं हुई थी बहुत ज़्यादा। और ये भैया को खिला रहे थे क्योंकि भैया बहुत परेशान कर रहा था। आरती खाना वगैरह बनवाने में बिजी थी। और ये आ गई देखो उसके लिए ना, मतलब देखने आई है कि डायपर वगैरह चेंज तो नहीं करना है। तो बस वीडियो बना रही थी, मैंने बना लिया, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। इसके बाद फिर वो बोली चलो मैं जब तक डायपर चेंज कर देती हूँ। और आज यहाँ पे डेकोरेशन में लगी हुई है बेचारी ने, बहुत मेहनत की बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे भाभी सब्जी बना रही हैं, रेखा बैठी हुई है, एक सब्जी बन चुकी है, एक रह गई है। तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। तो वो लोग हंस रहे थे कि हाँ तुम ब्लॉग बना लो, तुम्हें कुछ काम नहीं है। बस यहाँ पे बलून फुलाए जा रहे हैं। और डुग्गू कह रहा था हमें दे दो। तो यहाँ पे देखो ब्लैक कलर के फुला लिए हैं, रेड और वाइट अभी फुलाए जाएंगे। तो कह रहे रेड भी, हाँ रेड भी फुलाए जाएंगे। और डुग्गू सारे संभाल के रखते जा रहा था। और पता आज मतलब एक इत्तेफाक की बात की, उसने बिल्कुल भी सतानी नहीं की डुग्गू ने, बिल्कुल भी मतलब कि कुछ भी नहीं किया उसने। बलून वगैरह सारा कुछ बहुत संभाल के रख रहा था, वरना तो वो पूरे बलून फेंक देता है यहाँ पे। और यहाँ पे केक कटने की तैयारी हो रही है। अदिति बातें कर रही थी तो बस केक वगैरह कटने के लिए रेडी हो चुका है, भैया ने केक कट कर दिया है। तो आप लोग ना मेरे बेटे को खूब सारी बेस्ट विशेस दीजिएगा। सब लोग अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और ना बहुत ही मज़ा आया, अच्छे से केक करा, मतलब कि बर्थडे अच्छे से हुआ। उसका मन था कि उसके फ्रेंड्स वगैरह बहुत अच्छे से आ जाएँ, सब लोग अच्छे से करें। सो बहुत मतलब मज़ा बहुत आया, हम लोगों ने खूब मस्ती करी। और यहाँ पे देखो भैया मतलब सभी को केक खिला रहा था, पार्थ को, सबको। आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। और मतलब उसकी फ्रेंड्स थे सभी लोग। तो देखो डेकोरेशन अच्छा हुआ है ना, थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड अच्छा होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। और अदिति के लिए ना ये वाला टॉप लेके आए थे भैया ने, जो नए कपड़े लेके आए थे वो तो उतार दिए, दूसरी टी शर्ट पहन ली, मतलब चेंज कर ली क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल पहन के गया था, पेपर थे तो। और फिर ना नेक्स्ट डे की क्लिप है, यहाँ पे ट्रैक्टर गिर गया था तो जेसीबी मशीन निकालने के लिए आई थी। पता कैसे गिरा था वो, मतलब बहुत ही वो था कि बच गए सब लोग, किसी को कुछ नहीं हुआ, जान बच गई, इतना ही बहुत है। तो यहाँ पे जेसीबी निकाल ली, सब लोग देख रहे थे। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि जस्ट मेरे घर के सामने ही था, आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि ना थोड़ी सी लापरवाही से बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। और पर क्या कर सकते हैं, जो मतलब होता है किस्मत में लिखा हुआ होता है तो फिर वही होता है। और ट्रैक्टर वाले की भी गलती नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा बचा रहा था, उसका ब्रेक फेल हो गया था तो ब्रेक नहीं लगा और बेचारा गिर गया। मतलब जानबूझ के थोड़ी उसने कुछ किया था। अब हो गया तो हो गया, खैर कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। और देखो काफ़ी लोग मतलब थोड़ा सा कुछ होता है ना तो सड़क पर लोग इतनी भीड़ जमा कर लेते हैं, इकट्ठी खूब भीड़ कर लेते हैं खूब ज़्यादा, अच्छा ही लगने लगता है। लोगों को निकलने में ना प्रॉब्लम होती है इधर उधर से आने जाने वालों को। जैसे वो लोग तो अपना काम कर रहे थे लेकिन बाकी के लोग पता नहीं क्यों फालतू में खड़े हो जाते हैं परेशानी खड़ी करने के लिए। मैं कैसे आप सब आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज ना
कल भैया का बर्थडे था, आज 4 मार्च है, कल भैया का बर्थडे था। अब वो टेप ख़राब नहीं करना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे बात करने का, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी वीडियो। और जो यहाँ पे मैं आप लोगों को जेसीबी से मैंने वो ट्रैक्टर उठाते हुए दिखाया ना, तो उसमें पता है कल मेरी जो जेठानी की लड़की जिसकी अभी शादी हुई है वो आ रही थी, तो वो ट्रैक्टर वाले का पता नहीं ब्रेक फेल हो गया था क्या हुआ था, तो वो ऐसे आया कि सीधा वहाँ खाई में गिर गया, मतलब है खाई टाइप की बनी हुई है, खाई नहीं वो बोलता वहाँ तो वो जा रही थी पाइप पानी की, हाँ पाइप वाली आती नहीं है, हाँ नल लाइन के लिए वो गड्ढे खुदे हैं ना, तो उसमें गिर गया जाके पाइप वगैरह में, और वो जेठानी की लड़की है उसको थोड़ा सा लग गया, मतलब स्कूटी में थोड़ा, हाँ सट्टा छोटे हुए गया, हाँ टच होते हुए गया, क्योंकि वो वाइट कलर का नहीं था इसलिए, तो उसको थोड़ा सा लग गया, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा नहीं लगा उसको, भगवान का शुक्र है कि लगा नहीं है ज़्यादा, नहीं करो बेटा खराब। और ये बलून निकालना, हाँ सामने वाले को भी नहीं लगा जो ट्रैक्टर चला रहा था, उसके ड्राइवर को भी नहीं लगा उसको, तो हालांकि काफी लग गया उसको, चोट लग गई थी बहुत ही, खून मतलब सिर वेर से खून आ रहा था, हाँ पर वो ठीक है, दवाई वगैरह हो गई तो ठीक है, क्योंकि ट्रैक्टर चलते हुए ट्रैक्टर से नीचे ही गिरा तो लगा तो होगा ही, ऐसा थोड़ी है कि लगा आपने मुझे सामने नहीं, पापा ने बताया था, हम तो पानी भरने गए थे पीने के लिए बैठ से, तो वो उसको भी नहीं जाता, हाँ उसको भी अरे रुको थोड़ा बात करने दो, मोबाइल इंडिया थी फोटो बनी, हाँ और वो M4 198 चार आती थी, हाँ फ्री फायर वाला गेम बना दिया, अरे यार फ्री फायर नहीं होना यार, अरे तो जो उनसे बना उनके पास होगा रे, सो चलो ठीक है कि जान बोलो जल्दी, फ्री फायर वाला चीज बनवाओ, हाँ अगली बार बनवा, सो अच्छा ठीक है कि जान माल की कोई हानि नहीं हुई, इतनी बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई भगवान की कृपा से, है ना, सो चलो फिर ना इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हुआ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, लाइट नहीं थी अभी अभी जस्ट लाइट आ गई है, चली गई थी मतलब बीच में, जा आपकी टीवी आ गई होगी, जा और पढ़ लो थोड़ा सा, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय बाय।